सो व्हाट्स अप किविंस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोड वायरलेस गो जो माइक्रोफोन है उसकी हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके जो वॉइस रिकॉर्डिंग सैंपल है वो किस तरह से रहने वाला है, अगर आपका ये डाउट हो तो वो भी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और बॉक्स के साथ हमको मिलता क्या क्या, किस प्राइस में मिलता है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वैसे भी रोड सबसे बेस्ट बोले तो दी बेस्ट माइक्रोफोन्स बनाता है जो कि व्लॉगर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, तो नो डाउट इसकी क्वालिटी में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जब ये एक वीक तक यूज़ किया उसके बाद में मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए। तो आज हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो बॉक्स आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ऊपर आपको जो है वायरलेस गो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो माइक्रोफोन्स हैं हमको कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइड में जो है कुछ इस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट वायरलेस है, सबसे छोटा ये देखने को मिलेगा। बिल्ट इन माइक्रोफोन इसमें आपको मिल जाएगा, 2.4 GHz का जो इसमें आपको डिजिटल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। तो अब हम इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। और वैसे तो मैंने एक बार इसको चेक करने के लिए अनबॉक्स कर लिया था, मतलब जो इसकी जो पैकिंग आती है वो मैंने खोल ली थी, क्योंकि अगर मैं ही नहीं देखूंगा कि इसमें क्या मिलता है तो कैसे इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ सील लगी हुई थी जो कि मैंने उखाड़ दी है, क्योंकि जब मैंने इसको खोल करके देखा था कि इसके अंदर हमको सब चीज़ें प्रॉपर मिली है या नहीं मिली है। तो यहाँ पर जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले मिलती है एक यूज़र मैनुअल। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रीड कर सकते हैं, मुझसे तो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, आप इसको ईजिली कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। यहाँ पर हमको मिलती है 2 C-type USB केबल ट्रांसमीटर और रिसीवर को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर हमको मिलती है विंडशील्ड और 2 फुंतरू, इनको विंडशील्ड भी बोलते हैं और मेरी लैंग्वेज में इनको बोलता हूँ मैं फुंतरू। इसके बाद में लास्ट हमको मिलता है एक केस, और ये तो सबको पता ही है ये क्यों होता है और क्या होता है, तो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हमको मिलता है एक कैरी बैग, इसके अंदर मिल जाते हैं दोनों माइक्रोफोन और काफ़ी ज़्यादा छोटे ये देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और इसमें देखने को मिलती है, वो है 3.5 mm की जो जैक है जो कैमरा में हम लगाएंगे और माइक्रोफोन के जो रिसीवर है उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिलता है इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो अभी ये बैग को हम डालते हैं साइड में। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसमें भी आपको जो है रॉड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फोकस फोकस फोकस, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटे और कॉम्पैक्ट हैं ये, आप इजीली देख सकते हो कितना छोटा है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। सबसे इम्प्रेसिव चीज़ जो है ना इनकी, तो ये आपको 7 hours का रिकॉर्डिंग टाइम देते हैं, जिससे कि आप इजीली बैटरी बैकअप जो है 7 hours तक आप इजीली अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से, DSLR से, कंप्यूटर से, जिसमें भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो। बहुत ही बढ़िया रेंज इसमें हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको रोड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इसके साथ में एक LCD स्क्रीन इसमें दी हुई है फ्रंट में। और साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है, फोकस कर भाई, तो यहाँ पर आपको 2 buttons दिए हुए हैं, जो DB बटन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको जो है लिंक बटन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है। और दूसरी साइड पे बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको C-type चार्जिंग स्लॉट मिलता है। और पीछे की साइड में जो क्लिप दिया हुआ है, इजीली आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। और ये बहुत इजीली जो DSLR के ऊपर फ्लैश लाइट इंस्टॉल करने का एरिया होता है वहाँ पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, जो कि वीडियो में मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। तो यहाँ पर आपको रॉड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 2 LED लाइट्स यहाँ पर ऊपर की साइड दी हुई है जो कि ब्लू कलर की ग्लो होती है। एक बैटरी इंडिकेटर है और एक कनेक्शन इंडिकेटर है। पीछे की साइड में आपको क्लिप देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपनी शर्ट और जीन्स जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें वहाँ आप कर सकते हैं। और इसमें आप लेवलर माइक भी यूज़ कर सकते हैं। 3.5 mm जैक आपको इसमें भी देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर की साइड पर इनबिल्ट माइक्रोफोन हमको मिलता है, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो नो डाउट कि कैसा है, अभी हम जो है वीडियो में आगे, अभी तो ये कैमरा के इंटरनल माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम स्विच करेंगे रोड के वायरलेस माइक वायरलेस गो पे। कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको C-type चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, जिससे कि आप जो उसके साथ में हमको चार्जिंग केबल मिलती है, यहाँ पर आप इजीली इसको इंसर्ट करके ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, मतलब जो वीडियो के साथ में वॉइस मेरी सुन रहे हो, वो कैमरा के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम स्विच करते हैं रोड वायरलेस गो पे, तो उसके बाद देखते हैं कि जो इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी, वो किस तरह की हमको देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका रिसीवर है वो किस तरह से DSLR के ऊपर फिट हो जाता है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो अभी रिसीवर है, इसमें हमको जो 3.5
एमएम का स्लॉट दिया हुआ, यहाँ पर हम इसमें जो है केबल इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट। तो ये जो हमारा डीएसएलआर, इस पर हमने बोया का माइक जो लगाया हुआ, इसको हम हटा देते हैं अभी। तो इसको हटाने के बाद में जो ऊपर वाला एरिया है, फ्लैश लाइट जहाँ पर हम लगाते हैं, वहीं पर आप इसको जो है इसके क्लिप को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली ये फिट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये लग जाएगा। उसके बाद में जो आपको 3.5 mm जैक माइक का स्लॉट दिया हुआ, वहाँ पर इस केबल को इंसर्ट कर देना। तो ये सेटअप हो चुका है, जस्ट इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पे वायरलेस को लिखा था, उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ से हम इसकी जो डीबी है इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल दिख जाता है, और यहाँ पर अभी जो ये कनेक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया। बट तो हम करते हैं ट्रांसमीटर को ऑन। यहाँ पर जो पावर बटन इसमें दिया हुआ, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ऊपर आपको ब्लू लाइट ग्लो हो जाएगी। तो अभी ये हो चुका है ऑन, और जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। जैसे इसमें मैं बोलना भी स्टार्ट करा तो आप यहाँ पर लेवल देख सकते हैं। तो अभी आप इजीली इस स्क्रीन में देख सकते हो, इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। जो लेवल आप यहाँ बार्स देख रहे हो, तो यहाँ पर फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो चुका है। तो बहुत ही ईजी सेटअप है इसका, आप इजीली अपने अपने कैमरा पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ हैवी भी नहीं है। इसके अलावा इजीली हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर हैवी माइक अलाउड नहीं होता तो कोई समझ भी नहीं पाएगा ये है क्या। अब हम स्विच करते हैं वायरलेस ग्लू पे, और इसके बाद अब जो नेक्स्ट आप वॉइस सुनेंगे वो होगी हमारे रोड के वायरलेस ग्लू। तो रिसीवर जो था वो हमने डीएसएलआर के ऊपर फिट कर दिया, और अभी जो आप ये देख रहे हो इसमें ट्रांसमीटर, इसी के अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया हुआ है। जो वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो रही है वो अभी इससे हो रही है, और इसके साथ में जो हमको विंड चिल्ड बोले तो फुंतरू, जब आप इसके ऊपर फिट करोगे तो आप इजीली इसको यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ब्लॉक दिए हुए हैं उसमें हमको इसको फिक्स करना होता है। तो बहुत ही ईजी सेटअप ये हो जाता है, आप इसको ईजिली कुछ इस तरह से लगा लोगे। तो अभी जो आप क्लियर वॉइस आपको मिल रही होगी, आप इजीली इस माइक को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए कॉलर माइक यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा वेट है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और बटन लगा लेता हूँ अपनी शर्ट का, जिससे कि ये इसको यूँ ना गिरा दे। बस इस चीज़ में एक और प्रॉब्लम भी आती है, वो मैं आपको बता दूँ क्या। यहाँ पर जो ये फुंदरू है ये बहुत ईजीली निकल भी जाता है, अगर आप ये कुछ इस तरह से, तो बहुत ही इसको तमीज़ से यूज़ करना पड़ता है। तमीज़ से कैसे इसको आप यूज़ करेंगे, इसको जब लगा देंगे उसके बाद में बहुत ही तमीज़ से इसको लगा लें, कुछ इस तरह से, फिर निकल गया। तो ये फुंतरू को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये कभी भी निकल के भाग जाता है। तो आप इसको चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। अगर विंड की प्रॉब्लम ना हो, आप इनडोर शूट कर रहे हो, इनडोर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इस फुंदरू की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा लाउड वॉइस आप रिकॉर्ड हो रही है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और जो विंड की नॉइस रिकॉर्ड होगी उसको भी कैंसिल करने के लिए। तो कुछ इस तरह की आपको जो है इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी मिलती है। सबसे बेस्ट पार्ट, मैं कितना भी दूर चला जाऊँ, क्योंकि एक किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोफोन का एक जो रिकॉर्ड करने का एरिया होता है, कुछ 1.5 feet तक काम करते हैं, कुछ 2.5 feet तक काम करते हैं, जितना पैसा बढ़ता जाएगा। तो इस माइक्रोफोन की बेस्ट चीज़ ये कि आप कितने भी दूर चले जाओ आपको बराबर आवाज़ आएगी। आप घूमने निकल जाओ, अभी मैं घूमने निकल चुका हूँ, तब भी आप मेरी पूरी जो वॉइस सुन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं अपने रूम के कोने कोने में घूम रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट यही है कि माइक्रोफोन आपके साथ में लगा हुआ है, तो आप वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनेंगे, भले कैमरा आपका कितना भी दूर हो। तो अभी मैं आ जाता हूँ आप लोगों के सामने, और वॉइस रिकॉर्डिंग में यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वायर नहीं है, क्योंकि लेवलर माइक में ना एक बहुत बड़ा रोना है। वो रोना किस तरह की, उसमें वायर जो देती है वो बहुत ही लंबी वायर दे देते हैं, तो उसको कैरी करना, उसको हैंडल करना बड़ी दिक्कत वाली सीन हो जाती है। अगर आपको परचेस करना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।